हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मिता पहाड़ी ब्लॉगर में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं ग्वाड़ गांव में आ रखा हूँ। और यहाँ मेरे कल चक्रव्यूह देखने मामा जी वगैरह आ रखे थे, उनको छोड़ने आया। तो यहाँ से दिखाऊँगा मैं आपको मक्कू मठ कैसा लगता है। तो ये स्नो पॉट है, ये स्नो पॉट जो रिजॉर्ट है, यहाँ से कुछ ऐसा लगता है। और मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा। और कुछ इस प्रकार का हमारा गांव दिखता है, ये देखें, ये जूम करके। और ये सामने जगपुड़ा है ये, और यहाँ ये पाव है। और कुछ इस प्रकार की व्यूज है हमारे गांव के पास के, ये देखिए, ये चोटियाँ सुंदर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, कुछ आगे के दृश्य भी दिखाऊंगा आपको, कुछ मनोरम दृश्य हैं ये देखिए। और नीचे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा सड़क के बगल में, ये देखिए। और ये आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का झरना मिलेगा आपको, ये देखिए, ये ऊपर तक। और अब ये पुल की यहाँ पे बन रहा है पुल, और कुछ समय बाद पुल भी बन के तैयार हो जाएगा। तो और ये पहाड़ हैं, और इन पे जो है अब तो सड़कें आ गई, और लोग इन पे चढ़ाई करके और यहाँ से घास उवा जो पहाड़ों में बोलते हैं उसको ले आते थे। ये देखिए कितना कठिन काम है दोस्तों। और मछली पकड़ना आसान नहीं होता है, ये देखिए, इतनी ठंड में और पूरी नदी के बीच में जाना पड़ता है, तब जाके कहीं मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। इतना खतरनाक रिस्की काम है, और इतने ठंड में मछलियाँ इस तरह से पकड़ी जाती हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे, ये कहीं मछलियाँ पकड़ चुका है, कम से कम काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली है बंदे ने, ये देखिए। और इतनी ठंड में किस तरह से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कम से कम 10-12 मछलियाँ, काफ़ी मछलियाँ आ गई हैं जाल पे, ये देखें। तो दोस्तों, ग्वाड़ गांव से अब पहुँच चुके हैं हम अपने जो है होम स्टे में। और आज हमारे पास कुछ पर्यटक हैं, तो उनको भी दिखाएंगे हम। उनकी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई थी, बाइक का टायर, और हम टॉप का मिस्त्री इसी गांव का है, वो मिस्त्री जो बाइक और गाड़ियों के टायर वगैरह छोटी मोटी जो भी दिक्कतें आती है उनको देखते हैं हमारे यहाँ मक्कू मठ में। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं। तो ये सवेरे से लगे हुए थे हम बाइक पे, और बाइक हो गई थी ख़राब, सवेरे 7 बजे जाना था, लेकिन अब बज चुके हैं 2, और बहुत ही ज़्यादा जो है, तब तक हमारे उमेश उस्ताद जी मिल गए हमें, और उन्होंने बहुत मेहनत करके ये काम पूरा करा। और राज भाई भी जो है बहुत हेल्पफुल आदमी मिले। और ये अब यहाँ से जाएंगे तुंगनाथ के लिए, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। तो भैया, अब होगी आपकी गाड़ी फिट? थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। अब चलते हैं हम भी घर, और अब करेंगे हम भी लंच। तो चलिए, हाँ सर, बिल्कुल 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 सर, फोटो लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्ली किस तरह से शिकार पे बैठती है, ये आज आपको मैं क्लोज से दिखाऊंगा। और ये बिल्कुल अपने शिकार के लिए तैयार हो रही है, ये देखिए। ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने स्कूल जा रहे हैं, हाय करो दोनों। ये देखो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने आज स्कूल में, और ये है खुशी, और ये है स्मिता,
इधर आओ, अभी इनको कुछ खिलाएंगे हम अभी। यहाँ पे स्वागत है आपका, आइए हमारे नए मेहमान, नन्हे मुन्ने मेहमान। दोस्तों आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।